दिल्ली में अभूतपूर्व जीत हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी का झगड़ा खेमेबंदी की शक्ल ले चुका है। केजरीवाल समर्थक नेताओं ने पार्टी के संस्थापक सदस्यों योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर जमकर हमला बोला। हालांकि केजरीवाल पर बरसने वाले कई नेता आज उनके नेतृत्व को कबूल करते दिखे। मैं टीवी पे सुन रहा हूं, हमारे कुछ लोग कह रहे हैं अब हम यहां का भी चुनाव लड़ेंगे, अब हम वहां का भी चुनाव लड़ेंगे, अब हम 5 राज्यों के चुनाव लड़ेंगे, अब हम 10 राज्यों के चुनाव लड़ेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा अहंकार नजर आ रहा है मुझे। दिल्ली की जनता ने मुझ पे विश्वास किया है। मैं 5 साल तक दिल्ली में रहकर केवल और केवल दिल्ली की जनता की सेवा करूंगा। 14 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए अरविंद केजरीवाल ने जब दिल्ली तक खुद को सीमित रखने की दुहाई दी तो लगे हाथ पार्टी के उन नेताओं को चेता रहे थे जो दिल्ली से बाहर पार्टी का पांव पसारना चाहते थे। तब इशारों में जिन नेताओं की वो बात कर रहे थे वो अब सीधे सीधे पार्टी में केजरीवाल समर्थकों के। असल आपका सारा झगड़ा आज इस बात पर घूम रहा है कि पार्टी के 2 संस्थापक नेता योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का क्या होगा। लेकिन इसका जवाब पाने से पहले इस सवाल से टकराना होगा कि क्या आप में विरोधी नेताओं के फोन टैप किए जाते हैं। इसके लिए पहले एक अखबार के रिपोर्टर और केजरीवाल के PS विभव की फोन पर हुई बातचीत को सुनिए जिसे विभव ने टेप कर लिया था। असल में जो स्टोरी आपने की थी उसमें थोड़ी सी मतलब कुछ कुछ चीजें थी जो कि फैक्चुअली थोड़े एरर है, लेकिन वो आप ही के लीडर ने मुझे ब्रीफ किया है ना, तो वही आल्सो जस्ट थिंकिंग ने बताया था। हम तो बहुत हैरान परेशान हो रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, जब इतना ज्यादा तो कोई गलत नहीं ना बताना चाहिए, वो भी वन ऑफ योर टॉप लीडर्स। अगर कोई सेकंड रैंक या थर्ड रैंक लीडर होते तो हम मानते कि भाई गलत बताया है, और अकेले मुझे नहीं और 4-6 लोग साथ में थे, पत्रकार भी थे। इट वॉज एन इनफॉर्मल इंटरेक्शन ब्रेकफास्ट मीटिंग, बैकग्राउंड टाइप ना टू टेल अस व्हाट इज हैपनिंग इन द पार्टी है वो। So there was no reason to tell us something completely. In fact, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। तो मतलब ये क्यों ने बताया, वो भाई बता रहे थे आप शायद बता देंगे कि जिन्होंने बताया। हाँ तो योगेंद्र यादव खुद ही तो थे ना, उन्हीं के साथ हम 3-4 है सीनियर जर्नलिस्ट, उनको बुलाया था पर ब्रेकफास्ट मीटिंग एक आपके केजरीवाल समर्थक एक नेता दिलीप पांडे ने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के खिलाफ बाकायदा एक खत लिखा तो केजरीवाल समर्थक एक दूसरे नेता आशीष खेतान ने शांति भूषण और उनके परिवार पर आप में वंशवाद की नई लकीर खींचने वाला बता दिया। जो लोग आम आदमी पार्टी को एक व्यक्ति की पार्टी साबित करने की वाहियात कोशिश कर रहे थे वो पार्टी को एक परिवार की पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे थे। शांति, प्रशांत और शालिनी के पिता, पुत्र और पुत्री के टिकले पार्टी की हर शाखा पर कब्जा करना चाहते थे। PSC से लेकर पॉलिसी कमेटी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक पर अपनी पकड़ बनाना चाह रही थी। दूसरी तरफ योगेंद्र यादव विरोधी गुट के तेवर भी ढीले पड़ते नजर आ रहे हैं। बीच चुनाव में केजरीवाल पर सवाल खड़े करने वाले शांति भूषण भी उन्हें ही राष्ट्रीय संयोजक बनाए रखना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय संयोजक के पद पर बने रहने देना चाहिए, प्रशांत और योगेंद्र को उनका समर्थन करना चाहिए, इन तीनों को आपस में मिल बैठकर पार्टी के हित में काम करना चाहिए। जिस केजरीवाल के नाम पर सारा घमासान मचा है उनकी चुप्पी ट्वीट पर टूटी। पार्टी में जो कुछ हो रहा है उससे मैं बहुत दुखी और परेशान हूँ। दिल्ली की जनता ने हम पर जो भरोसा जताया है ये उसके साथ धोखा है। मैं इस विभत्स युद्ध में खुद को खींचे जाने नहीं दूंगा। हम दिल्ली के कामकाज पर ध्यान देंगे, जनता के भरोसे को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देंगे। तो लड़ाई आम आदमी की दुहाई देने वालों के बीच खास बनने को लेकर छिड़ी है। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। कल आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है जिसमें तय होगा कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का भविष्य क्या होगा।
आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 21 सदस्य हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी की कल की बैठक दोपहर 2 बजे कापसहेड़ा में होनी है, जिसमें यह फैसला लिया जा सकता है कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को राजनीतिक कार्य समिति यानी पीएसी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। प्रशांत भूषण को पार्टी जन लोकपाल का नया मसौदा तैयार करने का जिम्मा दे सकती है, तो योगेंद्र यादव को पार्टी के किसान विंग का प्रमुख बनाया जा सकता है। अभी पीएसी में अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय, इलियास आजमी, कुमार विश्वास, मनीष सिसोदिया, पंकज गुप्ता, प्रशांत भूषण, संजय सिंह और योगेंद्र यादव हैं। अगर इसमें से यादव और भूषण का पत्ता कटता है तो दूसरे नए नेताओं की एंट्री भी हो सकती है।